हैदराबाद में एक ऐसा कांड हुआ जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, चाहे सड़क हो या संसद। साथ साथ इसी से जुड़ी अलग अलग खबरें आ रही हैं और इसी से जुड़ी हुई है ये अगली खबर। हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और फिर उसकी निर्ममता से हत्या, देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक जल्द से जल्द न्याय की मांग उठ रही है। और वहीं आज जब इन आरोपियों को पेश करने के लिए ले जाया गया था तो चारों आरोपी जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, अब खुफिया विभाग से जानकारी आ रही है कि इनकी जान अब खतरे में है। हालांकि जिस तरह का उन्होंने काम किया है, उनकी जान खतरे में ही रहना चाहिए। दरअसल खुफिया विभाग और स्पेशल ब्रांच ने इस घटना के बाद उपजे स्थानीय लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए साइबराबाद पुलिस को अलर्ट करते हुए कहा है कि चारों आरोपियों को हिरासत के दौरान शादनगर पुलिस स्टेशन में रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। आप देखिए, जब आरोपियों को ले जाया जा रहा था तो किस तरह से रोड पर लोगों का गुस्सा नजर आ रहा था। इनमें से एक आरोपी जो कि किडनी की बीमारी का पीड़ित है, हालांकि उसने इलाज की मांग भी की थी, नियमित रूप से इलाज कराता था ये आरोपी, लेकिन हौसले देखिए, गंदगी देखिए दिमाग की किस तरह से। लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, हालांकि वो जायज है, जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है उन्हें सजा मिलना जायज है, लेकिन अब अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कभी भी अगर इनमें से कोई भी जनता के हाथ लग गया तो उसकी जान जनता नहीं छोड़ने वाली है। ये अलर्ट हैदराबाद पुलिस को जारी कर दिया गया। वहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं, कुछ लोगों को भड़का कर जानलेवा हमला करा सकती हैं।